बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में वर्की समोसा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आम समोसे से थोड़ा डिफरेंट होता है और क्रिस्पी भी इतना होता है। आप इसको करी पफ कह सकते हैं या इम्पनाडास कह सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी यमी इवनिंग स्नैक्स में ये शामिल किया जाता है। तो बहुत ही स्टाइलिश अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशल हमने बनाई है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है मैं इस तरह से सिखाऊंगी कि बच्चियां भी जो हमारी न्यू बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से इसको सीख लेंगे। और रमज़ान मुबारक के लिए मेरी तरफ से बहुत ज़बरदस्त ये आपके लिए तोहफा है। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। Thank you.
आज मैं आपको जाली समोसा बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त एपिटाइज़र के तौर पे या शाम की चाय के साथ या रमज़ान मुबारक में इसको बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत डेलीगेट स्टाइल में ये समोसा फोल्डिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आम समोसे से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है इसका। तो जो हमारी बच्चियां जो हैं न्यू स्टाइल में कुछ न्यू ट्विस्ट सीखना चाहती हैं समोसा फोल्डिंग्स या मोमोज फोल्डिंग के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली हमने आज बनाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, आप इनको बना के 1 से 2 महीना फ्रीज भी कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। 1 कप घी लिया है हमने, मेल्टेड घी है रूम टेम्परेचर पे। 1 चम्मच इसमें नमक और 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाला है, ज़ीरा हमारा कुटा हुआ भुना हुआ है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पतला सा एक बैटर सा तैयार हो गया। अब इसके अंदर 3 कप हम मैदा शामिल करेंगे। आप जब इसको अच्छी तरह से बाइंड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी और ज़बरदस्त आपके समोसे तैयार होंगे। 3 कप मैदा अच्छी तरह से छान के फिर इसमें शामिल कर दीजिए। और अब पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं इस तरह से सख्त हाथों से इसको दबा दबा के टाइट डो बनानी है आपने इसकी। ये देखें अच्छे तरह से इसको जब आपने दबा दबा के करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको टाइट डो की तरह सख्त प्रेस करना है, इसको नरम नहीं रखना डो को। तो बहुत अच्छी तरह से ये देखें झटपट हमारी ये डो तैयार हो गई है। तो इसको आधा घंटे के लिए कवर करके रख देंगे किचन काउंटर के ऊपर ही। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ। अब इसकी हम ये मैं इसमें 1 कप चिकन बॉईल किया हुआ और 1 कप उबले हुए आलू शामिल कर रही हूँ इसकी फिलिंग के लिए। इसमें धनिया और पुदीना 1 कप जितना है बारीक कटा हुआ, और इसमें बाकी मसाले जो हैं रेगुलर आम जो घर में होते हैं वही मसाले शामिल करेंगे हम। हल्दी 1 चम्मच डालेंगे इसमें, सूखा धनिया शामिल करेंगे 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ज़ीरा शामिल करेंगे, नमक जो है वो भी हमने 1 चम्मच शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई है जो कि इसके अंदर हम भरेंगे। अब ये देखें बहुत अच्छा लचकदार हमारा ये डो तैयार हो गया है मैदे का। इसको किचन काउंटर पे थोड़ा सा दोबारा से नीड कर लेंगे अच्छी तरह से दबा दबा के। तो अब इसमें से जितना हिस्सा हमें चाहिए उतना काट लेंगे किसी भी छुरी वगैरह से या किसी भी कटर वगैरह से या जिससे भी आपको आसानी है उसे काट के इसको डिवाइड कर लेंगे हम 1 से 2 हिस्सों में। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये बड़ा ही स्टाइलिश एपिटाइज़र के तौर पे आप इसको बना सकते हैं और बड़ों से दाद वसूल कर सकते हैं। अब एक रोटी बेल लेंगे इसकी पतली वाली, बड़ी सारी रोटी हमने बेल ली है, तकरीबन ये 12 इंचज की रोटी है। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि 12 इंच का जितना पिज़्ज़ा होता है उतने इंच की तकरीबन ये बड़े थाल जितनी रोटी हमने बेल ली है 12 इंचज की। अंदाज़ा है मेरा कि ये 12 इंच तक का सर्कल हमने राउंड सर्कल बनाया है। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे छुरी से या पिज़्ज़ा कटर से जिससे भी आपको आसानी है। ये देखें हाफ किया और इसको फिर दोबारा दरमियान से काट दिया। अब ये 4 हिस्से डिवाइड हो गए। अब जैसे मैं काट लगाऊंगी आपने गौर से देखना है, ये देखें थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के आपने इसके कट्स लगाने हैं। कट्स जो हैं वो सीधे बिल्कुल होने चाहिए आपके, और इस तरह से 3 कट इधर 3 इधर, अब नीचे फिर एक छोटा सा रेक्टेंगल की तरह का काट देना है आपने। इसी तरह से दूसरे कट लगा लेंगे। ये कट जो लगा रहे हैं हम इनको बहुत ज़्यादा आपने बारीक बारीक और साथ साथ जोड़ के नहीं लगाना, थोड़े थोड़े फासले पे रखना है क्योंकि अगर आप बारीक लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे क्योंकि रोटी हमने बारीक बेली हुई है। इसी तरह से दूसरे साइड के भी कट जो हैं वो मैं लगा लेती हूँ। मेन जो है इसकी कटिंग है, कटिंग अगर आपको करनी आ गई इसकी तो ये बहुत ही आसानी से
आप इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, हर कोई बना सकता है ये समोसा। इसी तरह से दूसरा भी, चारों जितने हमारे ये जो हमने हिस्से काटे थे सबके हमने कट्स लगा दिए हैं, और कट्स ये बहुत ही आसान है लगाने, छुरी से भी लग सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से भी, जिससे आपको आसानी है, लेकिन सीधे कट लगाइएगा। अब ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, ये देखें ये कितनी बारीक है और आसानी से उठाई जा रही है, क्योंकि डो हमारी टाइट हमने गूंदी थी। अब क्या करेंगे, ये जो आलू और चिकन का जो अमेजा बना के हमने फिलिंग बनाई थी, इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके तो फिंगर्स की तरह इस तरह से बना लेंगे, और खुश्क मैदे में इनको रोल करेंगे। खुश्क मैदे में हम इसलिए रोल करेंगे कि ताकि आलू की जो फिलिंग है, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो आलू की फिलिंग जले ना, और दूसरा सॉफ्ट होके ऑयल के अंदर ना शामिल हो जाए। तो अब हम मैदा 2 चम्मच और 2 चम्मच पानी का हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, जो हम ब्रश कर रहे हैं, इसके अंदर चारों साइड भी अच्छी तरह से ब्रश लगा दीजिएगा और इसको शेप दे दीजिएगा इस तरह से लंबी। और अब एक किनारा पकड़ के उसको यहाँ आपने ऐसे फोल्ड करना है। अब दूसरा किनारा पकड़ेंगे और उसको भी इस तरह दूसरे किनारे से मिला देंगे और नीचे से अच्छी तरह दबा देंगे। तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त जाली समोसा जो है ये तैयार हो गया है। मैं हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें कितना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। इसी तरह से बाकी भी समोसे जो हैं वो बनाते हैं। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ रिपीट करके कि किस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। ये देखें, ये बैटर जो है हमने बनाया हुआ मैदा और पानी का ये लगा दिया। आप सिंपल पानी मत लगाइएगा इसको, आप मैदे का बैटर लगाएंगे तो उससे ये अच्छी तरह से बाइंड बहुत अच्छा हो जाएगा, या आप मैदा नहीं लगाना चाहते तो फिर अंडा लगा सकते हैं। अब ये देखें दरमियान में इसी तरह से हमने सारे बना के छोटे छोटे कबाबों की तरह, आप चिकन के कबाब्स का भी इसकी फिलिंग बना सकते हैं। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं, चिकन के जो हैं कबाब उनकी फिलिंग बना सकते हैं, लेकिन फिलिंग आपकी जो भी होगी वो हार्ड होगी, सख्त होगी थोड़ी। ये देखें किनारे हमने एक दूसरे से जोड़ देने हैं, ये देखें अब आपको समझ आ रही होगी कितना खूबसूरत इसका जाली बनी है। तो इसी तरह के आप बना के इनको 1 महीने के लिए आसानी से फ्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इस तरह बाकी समोसे हमने आपको फ्रीज करने बताए थे, 1 से 1.5 महीना आसानी से इनको भी फ्रीज कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम हमने ऑयल रखा हुआ है अपना, तो इसको हम डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इनको जिस तरह नॉर्मल आम समोसे फ्राई किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनको फ्राई करेंगे हम। बहुत स्लो फ्लेम पे नहीं आपने इनको कुक करना, क्योंकि इनकी फिलिंग थोड़ी सी बाहर की तरफ है। आम समोसा जो होता है उसको थोड़ा स्लो फ्लेम पे हम फ्राई करना शुरू करते हैं, लेकिन इसकी फिलिंग चूंकि हमें नज़र आ रही है और जालियां जो हैं उसके अंदर से आपने फ्राई जो है करके ऑयल निकालना है, ऑयल गुजारना है इनको क्रंची करने के लिए। ये देखें जैसे अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ये आपने टेम्परेचर जो है पहले मीडियम रखना है, ताकि अच्छी तरह से ये अपनी शेप ले लें प्रॉपर, उसके बाद आप स्लो कर दीजिएगा। अब मैंने स्लो फ्लेम पे इनको रखा है, अब ये 6 से 7 मिनट में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त आपके समोसे तैयार हो जाएंगे। और कलर आप अपनी मर्जी से इसका बहुत ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी, लेकिन आम तौर पे समोसे का हल्का सुनहरी जो है कलर बहुत अच्छा लगता है। एक तो इससे समोसा क्रिस्पी लगता है, लुक भी अच्छी आती है उसकी। दूसरा ये कि जब हम समोसा निकालते हैं तो खुद ब खुद इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है जो कि हमने समोसे का ये दिया है। तो बेहतरीन हमारे ये जाली समोसे जो हैं ये तैयार हो गए, बाकी भी निकाल लेंगे। आपने इनका कलर जो है अपनी मर्जी से, अगर डार्क आपको पसंद है तो आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो है वो इसी तरह का कलर जो है खूबसूरत लगता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ऐसा फोल्डिंग आपको आज सिखाई है। तो ये देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची हमारा जाली समोसा तैयार है, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। आज हम पुल्ड चिकन एंड पोटैटो पेस्ट्री पफ्स बना रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़बरदस्त। ये पार्टी फूड है जो कि आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, ईद वगैरह पे या बर्थडे पार्टी वगैरह पे, स्पेशल जो है कोई भी सेलिब्रेशन है उस मौके पे इसको बनाइएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल इंशाल्लाह ये आपके बनेंगे।
तो वीडियो को एंड तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही स्टाइलिश और ज़बरदस्त किस्म की अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं किसी स्पेशल मौके पे, बच्चों की बर्थडे पे या ईद ट्रॉली के लिए, तो ये रेसिपी आज के लिए स्पेशल आज आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले जो है इसका हम आटा गूंदेंगे इसकी पेस्ट्री पफ के लिए। तो 3 कप मैदा, 1 कप घी है मेल्टेड, इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। घी के अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे थोड़े से पानी के साथ। जब ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 कप जितना मैदा। और मैदे को बहुत अच्छी तरह से आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की तरह मिक्स करना है। मैदा अच्छी तरह से छान लीजिएगा। जितना अच्छा आपका मैदा जो फ्रेश होगा या छना हुआ होगा उतना ही क्रंची और क्रिस्पी इंशाल्लाह ये आपके पफ्स जो हैं ये तैयार होंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक जो हैं वो मेरी हौसला अफजाई होती है। इससे इंशाल्लाह मैं और मज़ीद से मज़ीद अच्छी चीज़ें जो हैं रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। रमज़ान मुबारक में भी इसको स्पेशल किसी मौके पे बना सकते हैं या ईद वगैरह पे या रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए आप इसको स्पेशली बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी टाइट डो आपने गूंद लेनी है। पहले पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ, इसमें पानी जो है अपने ख्याल से थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। अगर एक ही बार में आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये नरम हो जाएगी डो है आपकी जो आटे की। तो इसको आपने जिस तरह ये मैंने हार्ड इसको टाइट गूंदा है बिल्कुल इस तरह गूंद के, तो आधा घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद इसको देखते हैं तो उसके साथ ही आप शुरू करते हैं फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल चिकन 1 कप है और मैश पोटैटोज हैं 1 कप। दोनों जो हैं हाफ मैंने इक्वल क्वांटिटी में रखे हुए हैं। ये मेरे पास है धनिया पुदीना तकरीबन 2 टेबल स्पून इतना। हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं अगर आप अपनी मर्जी से डालना चाहें। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी 1 चम्मच जितना, सूखा धनिया 1 चम्मच डालेंगे, जीरा 1 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून इतना ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जीरा और अजवाइन, ये तमाम चीज़ें डाल के तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो ये इसकी फिलिंग तैयार कर ली हमने। आप अगर चाहें तो स्पेशल चिकन टिक्का की जो मैंने फिलिंग आपको बनानी सिखाई हुई है, 3 से 4 तरह की फिलिंग सिखाई हैं, आप वो वाली फिलिंग भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब हमने आटा जो है उसको आधे घंटे बाद अभी इसकी रोटी बना रहे हैं। गौर से देखिएगा किस तरह से हमने इसको पतला बेला है। तो बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं बेलने आपने, तकरीबन 12-12 इंच की 2 रोटियां मैं बेल लूँगी। आपको जितने चाहिए आप उसके हिसाब से उतनी बेल लीजिएगा। एक जो 12 इंच का जो सर्कल है उससे एक एक पफ जो है वो तैयार होगा। अब ये 2 मैंने तैयार किए हैं और इसके साथ 2 मैंने लंबी पट्टियाँ काट के रखी हैं जो कि बाद में मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि उनको कैसे इस्तेमाल किया। अभी जो मिक्सचर हमने बनाया है ये इसके अंदर दरमियान में इस तरह से आप रख दीजिएगा। गौर से आपने फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरह से हम इसको रोल करेंगे और सील करेंगे। तो मुनासिब सा आपने फिलिंग डालनी है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना फिलिंग को। अब ये पट्टियाँ जो मैंने मैदे की काटी हुई जो आपको नज़र आ रही हैं तो ये हम इस पे रखेंगे। अब ये 2-2 3-3 इंच की हमारी ये पट्टियाँ हैं जिनको आप थोड़ा सा फैला के हाथ की मदद से तो कवर कर दीजिएगा डो को। डो को आपने इससे कवर कर देना है अच्छी तरह से। जहाँ से आपको एक्स्ट्रा लगती है थोड़ी सी काट लीजिएगा। मैं हाथ की मदद से ही इसको यहाँ से उतार लेती हूँ, छुरी से या हाथ से जिस तरह भी आसानी से आप उतार सकते हैं। और थोड़ी सी नीचे हमने लेई लगा दी है मैदा और पानी की बनाई हुई और साइडों से अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये जैसे आपने कोई पिलो बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको कवर कर देना है आपने ताकि जो हमारी डो है इसमें से बाहर ना निकले। अच्छी तरह से इसको सील करके
और इसके बाद हम इसको छुरी से या कटर से, जो भी आपके पास है उससे हम इसके कट्स लगाएंगे। इस तरह से तिरछे जो हैं वो आपने इस तरह किनारों पे थोड़े थोड़े फासले पे जो हैं कट्स लगाने हैं। बहुत एहतियात से, बहुत बारीक भी नहीं लगाने और बहुत चौड़े भी नहीं लगाने, ताकि शेप जो है प्रॉपर आपको आसानी से आप दी जा सके। ये मैंने इस तरह से लगाए हैं। अब आप पहले सबसे ऊपर वाले उठाएंगे और उनको फिश का जो होता है शेप देने के लिए फेस का, तो ऊपर से इनको कॉर्नर जोड़ देंगे। अब वो चटाई जैसे मैट होता है सेम इस तरह से, या ब्रेड बनाते हैं हम फ्रेंच ब्रेड, सेम उसी तरह से एक पकड़ा और दूसरा पकड़ा एक दूसरे के ऊपर लपेटते जाना है आपने। तो ये हमारी, ये देखें फिश की प्रॉपर शेप नज़र आनी शुरू हो गई। और थोड़ी थोड़ी जो एंड के किनारे होते हैं उनको लई लगा के दोबारा से सील कर देंगे ताकि ये बाहर को निकले ना। चलें अब ये एंड वाले जो किनारे रह गए हैं इनको भी हम काट के, तो इनको भी फोल्ड करते हैं। पहले इधर से काट लेते हैं थोड़े थोड़े, और इनको भी टर्न कर देती हूँ मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर। ये देखें अब दरमियान से थोड़ा सा इसको शेप देंगे, जैसे मछली का पार होता है एंड का, उस तरह के बस बना के। तो अब कांटा फोक वगैरह से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। कांटे को थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा। ये देखें इस तरह से, ये प्रॉपर इसकी बेहतरीन सी जो है नीचे के पर बन गए मछली के, बहुत ही खूबसूरत। आपकी बहुत आसान है ये फिश पफ जो है। और अब इसकी आईज बनाने के लिए मैं लौंग जो है वो इसके अंदर लगा दूंगी। तो एक लौंग लूंगी मैं और उसको इस तरह से दबा दूंगी, तो यह इसकी आईज बन गई। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा जो है पफ बना है। तो इसको मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा भी जो है वो भी शुरू करते हैं। बहुत आराम से और एहतियात से आपने पकड़ना है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा, देखें। तो इसके बाद अब शुरू करते हैं दूसरा, सेम उसी तरह से आपने इसको भी काट लेना है। थोड़े थोड़े फासले पे आपने कट्स लगाने हैं। सर्कल जो है आप अपनी मर्जी से 10 इंच का, 8 इंच का, जो आपको आसानी से हैंडल हो सकता है कर सकते हैं। ये तकरीबन 11 से 12 इंच का सर्कल है। तो ऊपर के किनारे पहले आपने जोड़ने हैं ऐसे, इसका जो है फिश का जो है ऊपर से शेप देने के लिए प्रॉपर ऊपर से दे दी। अब इसके बाद हम एक के बाद एक जो है उसको लपेटते जाएंगे, जैसे फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं, फ्रेंच चुटिया बनाते हैं, सेम उसी तरह से खजूरी चुटिया बनाई जाती है या फ्रेंच ब्रेड, आपको पता ही होगा। सेम उसी तरह से इनको कवर करते जाना है आपने। और इसको जब आपने, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई करूँगी। बेक करने के लिए आप इसको 160 पे या 170 पे जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं। और इस पे थोड़ा सा दूध लगा दीजिएगा, उससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। कुछ जो हैं मेरे व्यूअर्स, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हम इनको बेक कर सकते हैं, तो ज़रूर बेक कीजिए। अगर आप हेल्थ इशू है आपको कोई, जिसकी वजह से आप बेक करना चाहते हैं, तो ज़रूर बेक कर सकते हैं। तो स्लो यानी कि आपका हीट जो ओवन है उसमें भी आपने 160 to 170 बस रखना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना आपने, वरना ये अंदर से कुक नहीं होगा और कलर इनका बहुत डार्क हो जाएगा। अब ये देखें एक ये रखा है, तो दूसरा भी इसके साथ ही अब रख लेते हैं। आप इनको एक दिन पहले बना के तो फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन आप इनको फ्राई कर लीजिए या बेक कर लीजिए किसी भी स्पेशल मौके के लिए। एक दिन पहले आप बना के इनको इजीली रख सकते हैं, और अगर फ्रीज़ करना चाहें तो हफ्ता भर तो आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको फ्राई करने के लिए आपने फिर बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है। अभी भी हम इसको स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, बहुत ही एहतियात से पकड़ेंगे। मेरा पैन जो है दरमियाने साइज़ का है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई या बड़ा पैन होगा तो आप उसके हिसाब से साइज़ बना लीजिएगा। मैं फिर भी इसमें कोशिश करूंगी कि इसको सेट कर दूं। अब ये कांटे की मदद से मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके तो दूसरी की भी जगह बनाने की कोशिश करती हूँ इसमें। और ऑयल हमारा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है, तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे, 8 से 10 मिनट। जैसे कचौरी के लिए टाइम लगता है उसकी परतें अंदर तक पक जाएं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इनको भी फ्राई करते वक्त स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है।
ये लेकिन थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हो रही है, तो मैं कांटे की मदद से इसको सेट कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आसानी से जो है ये देखें सेट हो रही है। आप लोग भी जो है इसको बनाइएगा, ज़रूर बनाना है, बल्कि आप लोगों ने ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे बना लीजिए या किसी भी खास मौके पे इसको बना सकते हैं। स्लो फ्लेम पे बनाएंगे इसको, ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, तो एक साइड जो है इसकी सुनहरी हो गई है और ये क्रिस्पी होनी शुरू हो गई है, देखें। तो अब इसको टर्न करते हैं, बहुत एहतियात से टर्न करूँगी मैं एक साइड जो है इसकी, ताकि ये टूटे ना, बहुत ही डेलिकेट होती है ये, देखें। अब थोड़ा सा मुझे डर है कि ये टूट ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो गई है। अब दूसरी जो है उसको भी करते हैं, तो दूसरी के लिए मैं चिमटा ले लेती हूँ बड़ा, और उसके साथ इसको टर्न करती हूँ, ये देखें। तो बहुत एहतियात से आपने इसको पलटना है। चलिए 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है, देखें। अब ये इनकी परतें चेक करें आप, ऊपर की लेयर्स देखें कितनी खूबसूरत क्रिस्पी, और एक एक लेयर अलहदा नज़र आ रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डेलिकेट। ये पुल्ड ओवर जो हमारे चिकन एंड पोटैटो पफ्स बने हैं, फिश पफ्स कह लें या पोटैटो एंड चिकन पफ्स कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं एक काट के भी आपको दिखाती हूँ, आपको इसकी क्रंचीनेस जो है उसका आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है, बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी पे बनाएंगे तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे। तो आप इसके लिए इनका साइज़ छोटे भी कर सकते हैं। अब ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस कितने आसानी से, ये कड़क और क्रिस्पी किस्म का हमारा ये अंदर से फुल पका हुआ बिल्कुल बेहतरीन पफ जो है ये तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।